हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम के टाइम मैं निकली हूँ घर से सब्जी लेने के लिए और कुछ खरीदारी करना है, तो हस्बैंड जी के साथ आई हूँ। हस्बैंड जी जो है आज जल्दी आ गए हैं ऑफिस से, ये देखिए हस्बैंड जी। तो अभी शाम के शायद 7:30 बज रहे होंगे और रोड पर आप देख सकते हो कितना भीड़ है, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है ना, सब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है अभी। चलिए जो है मार्केट जाके मिलती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, सब्जी मार्केट हम पहुँच गए हैं। तो साइड में देखिए सब्जी है, तो यहाँ से हम सब्जी खरीदेंगे। तो यहाँ पे ना बंगाली सब्जी जो है मिलते हैं। तो आज गाइस बाइक में बैठ के जो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है हस्बैंड जी ने, यहाँ पे बाइक खड़ा कर दिया है, अभी जाएंगे सब्जी खरीदने। तो चलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे, सुबह से फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। कल जो है सब्जी लेने गई थी और उसके बाद जो है घर आ गई थी, तो ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो आज मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है संडे, तो आप सबको हैप्पी संडे गाइस। तो संडे है फंडे, तो वो सब कहते हैं, ये कहावत है, बट संडे के दिन जो है गाइस घर पे ज़्यादा काम होता है। ये है कि सबका छुट्टी रहता है, तो आप आराम से जो है खाना बना सकते हो। बट जैसे संडे के अलावा जो है सुबह सुबह उठना होता है 5:30 बजे, वो चीज़ तो नहीं होता है। तब भी मैं संडे के दिन 7:30 बजे उठ गई और सब जो है सोए थे। और आज मेरा थोड़ा सा प्लान अलग है, मैंने सोचा है कि आज मैं पाव भाजी बनाऊंगी। तो उसके लिए सारी तैयारी जो है करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सब्जी कट करो, फिर जो है प्याज टमाटर फिर अदरक लहसुन, ये सब कट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और सारी मेरी तैयारी हो गई है पाव भाजी की। तो सब्जी को मैंने बॉईल पे भी रख दिया था, तो कुकर में मैंने सीटी भी लगा लिया है, तो सब्जी मेरी बॉईल भी हो गया है। अब हस्बैंड जी को मैंने कहा है कि पाव लेके आओ, और पाव भाजी मसाला चाहिए मुझे, तो पाव भाजी मसाला लेके आएंगे अभी हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी सो के उठ गए हैं। और कल मम्मी के लिए मैंने एक साड़ी खरीदा, बड़ी भाभी और कनिका भाभी के लिए मैंने नाइटी खरीदा, क्योंकि बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, तो उनके लिए अगर कुछ खरीद के नहीं लेके जाऊँगी तो अच्छा भी नहीं लगता। तो जो मेरे से हो सकता था वो मैंने किया उनके लिए, छोटा सा ही सही लेकिन किया है। और मैं अभी दिखाऊंगी क्या लेके आई थी, उससे पहले आज पाव भाजी बनाऊंगी और सबको गाइस खिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ, क्योंकि नई नई चीज़ें बना के खिलाओ और सब जो है खुश होते हैं ना, तो उसमें अलग ही खुशी मिलती है। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे बने रहना और देखते रहना। तो ये देखिए गाइस, मेरा सोना लाल अभी उठा है सो के, रात को लेट सोता है, सुबह जो है लेट उठता है। तो ये रियान का गंदा आदत हो गया है, बहुत कोशिश करती हूँ रियान को सुलाने की रात को जल्दी, लेकिन सोता ही नहीं है, खेलता रहता है, फ़ोन चाहिए उसे। तो कल तो मैंने फ़ोन नहीं दिया था, तब भी उसने बहुत खेला पापा मम्मी के साथ। अभी उठा है, अभी सुबह के 9 बज गए हैं ना बेटो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज रियान पाव भाजी खाएगा है ना। तो ये देखिए गाइस, दो नाइटी, तो ये दोनों भाभी के लिए खरीदा है, जिसको जो पसंद आएगा वही लेंगे। और ये मम्मी का साड़ी है, तो ये देखिए मम्मी का साड़ी, क्योंकि मम्मी जो है नाइटी नहीं पहनती है, तो मम्मी के लिए मैंने साड़ी लिया है। और बहुत दिन हो गया है मम्मी के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था, तो ये मम्मी के लिए मैंने साड़ी लिया, मम्मी को शायद पसंद आए, और मेरी पसंद मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मुझे तो लगता है कि मम्मी को पसंद आएगा। तो चलिए आपको गाइस मैंने दिखा दिया है क्या लिया है कल मम्मी और भाभी लोगों के लिए। देखिए गाइस, मैंने सब्जी बॉईल कर लिया है, तो इसमें गाजर शिमला मिर्च फिर बीन्स फिर फूलगोभी टमाटर आलू सब कुछ है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये बहुत सारा टमाटर है, साथ में बहुत सारा प्याज है, और ये हरी मिर्च है। और कढ़ाई मैंने अभी चढ़ा दिया है पाव भाजी बनाने के लिए।
पहले हमने कढ़ाई में अमूल का बटर डाला, उसके बाद ये प्याज मैंने डाल दिया है। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो इसमें देखिए टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब फ्राई मैं लो फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है हमारा ये सब्जी है, अब मैशर से इसको मैश कर लूँगी। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है, सब्जी को प्लेट में लिया है। देखिए यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मिक्स है, और ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और अदरक लहसुन टमाटर ये सब फ्राई हो गया है। तो ये मसाला हम ऐड कर देंगे साथ ही साथ अभी, और ये मसाले हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मसाले जो है भून चुके हैं और इसमें से ऑयल जो है रिलीज हो गया है, और ये बॉईल किया जो है सब्जी अब इसमें ऐड कर देंगे हम। देखिए गाइस, सब्जी मैंने ऐड कर दिया है, अब मसाले के साथ अच्छे से हम इसको मिला के फ्राई करेंगे। तो ये देखिए पाव भाजी मसाला लेके आए हस्बैंड जी, तो 2 चम्मच भर के मैंने डाला है, और सब्जी के साथ मिला के पाव भाजी मसाले को फ्राई करेंगे। गाइस मैंने डाला है 1/2 गिलास पानी मसाले को फ्राई करने के बाद, और इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने पहले भी बॉईल करते टाइम सब्जी को डाला था, इसलिए अभी थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। और इसमें एक नींबू निचोड़ के ऐड कर देंगे ताकि इसमें खटास आ जाए तो अच्छा लगेगा। और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे और लो। सो गाइस देखिए हस्बैंड जी पाव लेके आ गए हैं, अभी हमें बस पाव को सेकना है। और यहाँ पे हमारी भाजी भी रेडी है, तो ये देखिए भाजी बहुत ही टेस्टी हुआ है गाइस, और सब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा हुआ है। मैं जस्ट नहीं कर सकती इस भाजी की, तो चलिए पाव को सेक लेते हैं। तो पाव के बीच में से हम काट लेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे, पूरा नहीं कट करना है हमें, हल्का सा कट करेंगे ताकि पाव को बीच में से हम सेक पाए। तो ये देखिए ऐसे करके हमें कट करना है। ये देखिए हमारी पाव भाजी की थाली गाइस रेडी है। ये देखिए हाँ बर्गर है, रियान को लग रहा है बर्गर है ये। गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ रात के 12 बजे। तो अभी जो है हम लोग केक कटिंग करेंगे और काविश के बर्थडे की सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि 12 बज गया है और काविश का बर्थडे जो है स्टार्ट हो गया है। तो गाइस काविश को बर्थडे विश कर देना आप सब। और गाइस मैंने आज सुबह पाव भाजी बनाया था, उसके बाद जो है सबके मुंह से रिव्यू नहीं सुना पाई हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी गाइस, और जो है वीडियो नहीं बना पाई हूँ लाइट की वजह से। क्योंकि लाइट जाते हैं ना यहाँ पे तो पूरा घर जो है अंधेरा हो जाता है। सब ने तारीफ किया पाव भाजी की, और यहाँ पे हमारे काबिज पापा को हम पहले फोन दे देते हैं, उसके बाद जो है वीडियो बनाऊंगी। बर्थडे बॉय है हमारा, ये देखिए। और मैं भी बर्थडे बॉय। हाँ आप भी बर्थडे बॉय हो। और मेरे माजे वाले देवर जो है अभी लेने गए हैं केक रात के 12 बजे। अभी जो है छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, तो आप ब्लॉग पे गाइस बने रहना। हैप्पी बर्थडे। देखिए गाइस काबिज का जो है केक आ गया है, और ये देखिए छोटा वाला भाई आ गया है, और ये देखिए मेरे देवर पापा। इसको निकालो ना केक, केक हटाओ, इसको कत्ते को हटाओ। वाह काबिश, काबिश का ये फर्स्ट बर्थडे है। केक कटो, केक कटो, उठी नो केक नो कटो, ये चाकू मेरा। हाँ माचिस दो, अब आप जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, यम्मी। काविश सुना कोई ले, कोई ले, ले 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 ये जे, ए जे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो
बाय बाय बाय, गुड नाइट। अभी जाते हैं हम लोग सोने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे काफी, बाय। चल चल।